तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या, हमारा वीडियो क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बुनसाई को, जो मरते हुए बुनसाई को हम कैसे बचाएं और कैसे हम इसका केयर करें और किस समय रिपोर्टिंग करें और कैसे जाने कि हमारा बुनसाई ग्रोथ नहीं कर रहा, ये सारी डिटेल मैं वीडियो आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूँ। और इस बुनसाई जो आप देख रहे हैं, इसको हमने मरने से बचा लिया है। तो इसका पूरा आपको पूरा वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि हमने इसको क्या क्या वर्क किया इस पे, और ये प्लांट को हम मरने से बचा लिए हैं। फ्रेंड्स, तो आप भी अपने बुनसाई का केयरिंग कीजिए। हमारे वीडियो में हमें बहुत सारे बुनसाई का वीडियो लाते रहता हूँ कि केयरिंग कैसे करना है, उसका सॉइल कैसे बनाना है, बहुत सारी बातें होती हैं। बुनसाई तुरंत बन नहीं जाता फ्रेंड्स, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है इस पे। तो ये जो बुनसाई देख रहे हैं, पीपल का है, फाइकस रिलिजियोसा का प्लांट है और बहुत ही तेज ग्रोथ करता है बुनसाई में। ये जो प्लांट देख रहे हैं, लगभग मेरे पास 2 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। ये मैं हंटिंग करके लाया था और ये मेरे जुगाड़ का बुनसाई है। लगभग ये 5-6 साल का एज हो चुका है इसका, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल वर्क किया हूँ। 2 साल वर्क करके मैं ऐसा बुनसाई तैयार कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा बुनसाई अपना ग्रोथ रोक दिया था और बहुत सारे इसके जो छोटे छोटे ब्रांचेस थे वो सूख गई थी और पत्तियां भी पीले होके पूरे झड़ गए थे। तो इस कंडीशन में आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप 2 मौसम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर रहा है तो आप फर्टिलाइजर दें। अभी समय है मार्च का, तो मैं लेट हो चुका हूँ। आपको फरवरी में रिपोर्टिंग करना चाहिए, जब आपको ठंडी, जब पूरी तरीके से चल दिया रहता है, ठंड का मौसम गुजर जाता है और बरसात में हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। गर्मी का आगमन के समय और बरसात के समय आप अपना प्लांट का रिपोर्टिंग करें। हमने अपने प्लांट को पूरी तरीके से जो बुनसाई पॉट से निकाल लिए हैं और इसका रूट के ट्रिमिंग कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े रूट हैं, उसको काटना पड़ता है क्योंकि वो रूट बाउंड हो जाता है, जिससे मिट्टी कम हो जाता है और सही पोषक तत्व तो वो खींच नहीं पाता है। हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। बोनसाई सॉइल के बारे में तो बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, आप हमारे वीडियो चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि बोनसाई सॉइल कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे तरीके मैं बताया हूँ। इस प्लांट का हम रूट कटिंग किए, जो छोटे छोटे बहुत सारे रूट बढ़ चुके थे उसको, और जो हम बोनसाई का सॉइल बना चुके हैं उसको हम इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद और बहुत सारे वर्क करेंगे, अभी तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इस बुनसाई को पूरा फोकस करेंगे कि इसमें कमियां क्या है। सारे पत्ती अभी हम प्रूनिंग करेंगे और कुछ कुछ ब्रांच पे हम फोकस करेंगे। पत्तियों का पहले हम प्रूनिंग करेंगे, तभी हम ब्रांच को देख पाएंगे कि हुआ क्या है। बीच बीच में हम वाटरिंग करते रहे क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है, और जब भी आप रिपोर्टिंग करें बीच बीच में मिस्टिंग करते चलें। सारा पत्ती हम हटा रहे हैं, उससे ब्रांच क्लियर नजर आएंगे हमको और हम देख पाएंगे कि हुआ क्या है इसमें। सारे पत्तियों को हम हटा दिए। अब बीच बीच में आप प्रूनिंग करते रहें, ठंड में अगर ग्रोथ अगर रुक जाता है, ठंड के समय ग्रोथ रुकता है, तो उस टाइम हम वर्क नहीं करते, बाकी हर टाइम वर्क करते रहते हैं। अब हम अपने बुनसाई को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ कुछ जो सूखे ब्रांचेस थे उसको हम काट दे रहे हैं, जो पूरी तरह से सूख गया है उस सारे ब्रांच को हम हटा दे रहे हैं, सूखे हुए ब्रांच को। और सारे ब्रांच का जो ऊपरी भाग है, जिसको हमें देख के लग रहा है कि यहाँ से और भी शाखाएं ब्रांचेस निकल सकती है, उस सारे टिप वाले ब्रांच को हम काट रहे हैं। यहाँ पे वायरिंग करने की ज़रूरत है, बट अभी वायरिंग नहीं करूँगा मैं, बाद में वायरिंग मैं ज़रूर करूँगा, वीडियो आप लोग के लिए मैं शेयर करूँगा। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ कटिंग किया है वहाँ पे फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड अवेलेबल हैं, आप फंगीसाइड लगा सकते हैं। और हम इसमें वाटरिंग कर रहे हैं तो आप फंगीसाइड 1 चम्मच 1 लीटर में आधा चम्मच डाल के वहाँ पे वाटरिंग करें, जिससे फंगस आएंगे नहीं।
अब रिपोर्टिंग का काम हो चुका है, ब्रांच कटिंग भी हो चुके हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से और भी शाखाएं निकल सकती हैं ऐसा आपको कटिंग करना है, इस पे मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि ब्रांच कटिंग कब करनी है, कैसे करनी है और किस टाइप का करना है। एक मैं और भी अच्छा वाला ट्रिक लेके आया हूँ फ्रेंड्स, कि अब हमारा टॉपिक ही था कि बोनसाई को मरते हुए बोनसाई को जल्दी कैसे ठीक करें। अब हम इसमें पूरी तरह से पानी डालने के बाद, वर्क करने के बाद, हम एक कैरी बैग से इसको ढक दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट वाले कैरी बैग है जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें नए नए बट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और आप करीबन 15 दिन तक इसको छाँव वाली जगह में रखें, एकदम से छाँव वाली जगह नहीं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती हो। दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि अंदर कितनी सारी मॉइस्चर बन गई है जिससे जो मरते हुए जो ब्रांचेस हैं वो सूखेंगे नहीं, नमी बरकरार रहेगा और हमारा जो प्लांट का मरने से ये बच जाएगा। और आपको जब लगे कि हमारी जो बुनजाई के छोटे छोटे बड्स के जो पत्तियां हैं उस साइज में छोटे छोटे बड़े हो जा रहे हैं, तो उस समय आपको हटा देना है अपने कैरी बैग को। और ध्यान रखें कि आपको एक समय ही पानी डालना है, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी टाइम बस पानी डालना है तो मॉइस्चर बनी रहेगी। अब हम जब ओपन करेंगे और कुछ दिन बाद इसको सूखेगा इसका सॉइल, तभी हम पानी डालेंगे। पानी सिर्फ हमने एक बार डाला था, अब एक सप्ताह के बाद का मैं वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ। जब हमको लगे कि इसके पत्तियों का साइज छोटा छोटा बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े हो गए, अब हम कैरी बैग को हटा दिए। अभी भी हमको छाँव वाली जगह में इसको रखना है, हल्की छन की धूप आती हो ऐसे जगह रखें, अभी तेज़ धूप में रखने का नहीं है। और ध्यान रखें कि एक ही बार पानी हमने डाला है, अभी तक पानी हम डाले नहीं है क्योंकि इसमें मॉइस्चर अभी भी बरकरार है। अब आप देख रहे होंगे कितने सारे बट्स आ गए इसमें और छोटे छोटे बहुत सारे सुंदर सुंदर छोटी छोटी पत्तियां आ गई है। अब हमको लग रहा है कि हमारा प्लांट सर्वाइव कर चुका है और ये इसके बाद तेज़ी से ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसके सॉइल में बहुत सारे खाद मिलाए हैं, पोषक तत्व मिलाए हैं। हमारा वीडियो बहुत सारा आ चुका है बोनसाई सॉइल का, तो आप ऐसा सॉइल तैयार करके अपना बोनसाई रिपोर्टिंग करें। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये वाली ब्रांच जिसमें एक भी बट्स नहीं आए, कलियां नहीं आई हैं, पत्तियां नहीं आए, तो ये इसको हम चेक कर रहे हैं नाखून की सहायता से और हमें लगा कि ये पूरी तरह सूख गया है, तब हम इसको काट देंगे। अब सारे जितने भी ब्रांच हैं जो मर चुके हैं, सूख चुके हैं, उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करेगा, पेड़ का जो एनर्जी है उसको खींचेगा, इससे अच्छा होगी आप निकाल दें। और होता ये है कि ये जो जो सूखा वाला जो ब्रांचेस है वो जो जीवित ब्रांच है उसको भी सूखा डालता है, तो उससे अच्छा है कि उसको ही पहले काट दें जिससे ये जो अच्छे वाले ब्रांच को ये मार मत सके, उससे अच्छा कि हम काट दें। आप देखे होंगे कि जो मैं अभी कटा वाला ब्रांच दिखा है आधा सूखा था और आधा वो कच्चा था, तो इससे ये होता है कि वो सूखते सूखते और भी बहुत सारे ब्रांच को वो सूखा जाएगा, मतलब मार जाएगा। उससे अच्छा हम सारे सूखे ब्रांच को काट दिए ताकि और को भी नुकसान मत पहुँचा सके, तो आप ऐसा चेक करते हुए सारे सूखे हुए ब्रांचेस को काट दें। अब हम इसको प्रॉपर इसका ध्यान देते रहेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कंटिन्यू ग्रोथ होगा फ्रेंड्स। एक सप्ताह में इसके बहुत सारे बड़े बड़े पत्ते आ गए, लीफ का साइज बड़े हो गए। उसके बाद हम इसको ओपन एरिया में रखें जहाँ पे 7-8 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि हमारा पीपल का प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, इनडोर हम रख नहीं सकते। और आप देख रहे होंगे कि हम अभी सारे अपने बोनसाई का रिपोर्टिंग किए हैं और लिप का भी प्रूनिंग हो चुका है सारे बोनसाई का। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारा ये पीपल का बोनसाई कितना अच्छा ग्रोथ कर चुका है, सारे पत्ते आ चुके हैं और हमारा प्लांट जी चुका है फ्रेंड्स। तो ऐसा आप अपने बोनसाई में वर्क करें, आपको लग रहा होगा कि हमारा बोनसाई पत्ती सूख गया है या झड़ रहे हैं और ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो रिपोर्टिंग करने का समय आ चुका है। और कैसा रिपोर्टिंग करना है, और हमने जो कैरी बैग जो ढक के रखा है बहुत ही कारगर है फ्रेंड्स। बहुत सारे वीडियो में मैं ऐसा दिखा चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो में बताया हूँ मैं कैसा आपको काम करना है। अभी डिटेल वीडियो में आप लोग के लिए ये बड़ा वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स आप लोग के।
तो फ्रेंड्स बोनसाई का वर्क है, बहुत समय लगता है और कभी भी बोनसाई तुरंत बनता नहीं है, तकरीबन 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद ही बोनसाई अपना शेप लेता है, एक ट्री का रूप लेता है, तभी बोनसाई कहलाता है। तभी आप उसको रिपोर्टिंग किए 2 साल के बाद ही आप रिपोर्टिंग करें या छोटा सा पॉट दें। पहले तो आप एक छोटा सा कैरी बैग में या गमले में लगा के रखें, उसका रूट डेवलप होने दें, तभी आप उस पर छोटा पॉट दें, ये सबसे पहले आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। और हमारा हमारे आज के वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।